सो गाइस, आप एक मैक यूजर है तो आपको पता होगा भाई, उसमें सिर्फ आपको दो पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि टाइप सी का पोर्ट होता है और एक पोर्ट होता है हेडफोन जे का पोर्ट होता है। और आपको उसमें कोई भी पोर्ट एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं मिलता है। एक्स्ट्रा पोर्ट के लिए आपको डोंगल खरीदना पड़ेगा या फिर आपको एक हब लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा था, इसलिए मैंने केबल क्रिएशन का एक हब बनाया है। तो चलिए इसको आज अनबॉक्सिंग करते हैं और इसे हम टेस्ट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, ये रहा आप केबल क्रिएशन का हब, जो कि 7-in-1 हब है। फिर इसे मैंने ओपन करा, क्या क्या मिलता है हमें। ओके, ये वारंटी कार्ड है और ये इसका यूज़र मैनुअल, और दोस्तों ये इसका कैरिंग केस है। ओके, और ये रहा अपना मेन चीज़, जो कि हब। ओके दोस्तों, देखिए ये रहा अपना हब। इसमें आपको ईथरनेट का पोर्ट मिलता है एक, और यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट मिलता है। यहाँ पर सिर्फ आप इसे चार्ज के लिए यूज़ कर सकते हैं। दो पोर्ट मिलता है, माइक्रो एसडी के 2 स्लॉट, एचडीएमए का 1 स्लॉट। 4,079 रुपीज़ का पड़ा था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इसे मैकबुक पर टेस्ट करते हैं। मैकबुक में सिर्फ दो ही पोर्ट हमें देखने को मिलता है टाइप सी का, और यहाँ पर सिर्फ हमें मिलता है एक हेडफोन जैक के लिए, और ये कनेक्ट हो चुका। फर्स्ट तो हम यहाँ पर अपना इंटरनेट स्पीड टेस्ट करेंगे। पर मेरा वाईफाई कनेक्टेड है अभी, यहाँ पर देखिए वाईफाई अभी ऑन है। पर गो पर क्लिक कर देते हैं, देखते हैं हमें कितना स्पीड देखने को मिल रहा है। मैं रेलटेल का फाइबर प्लान यूज़ कर रहा हूँ अभी। सो फिलहाल तो अभी हमें 7 ms का पिंग मिल रहा है। सो यहाँ पर मुझे डाउनलोड मिल रहा है 46.6 mbps, और यहाँ पर हमें अपलोड का स्पीड मिल रहा है 45.7 mbps यहाँ पर हमें मिल रहा है। सो गाइस, अभी यहाँ पर मैं वाईफाई को बंद कर देता हूँ, ठीक है। वाईफाई को हम यहाँ पर ऑफ कर देंगे, सिंपली ऑफ। सो गाइस, यहाँ पर हमें स्पीड देखने को मिल रहा है 47.7 mbps, और अपलोड स्पीड मिल रहा है 45.1 mbps। तो वाईफाई का कनेक्शन और ईथरनेट का कनेक्शन सेम है, लेकिन कभी कभी वाईफाई का कनेक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर USB पोर्ट है, तो यहाँ पर मैं 2 USB पोर्ट को टेस्ट करूँगा। ये हार्ड ड्राइव को, जो कि USB का हार्ड ड्राइव है, तो सिंपली यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दूँगा इसके ऊपर। चलिए ओके, कनेक्ट हो गया। देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर में शो हो रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया मेरा एक्सट्रीम प्रो का जो SSD, यहाँ पर शो हो रहा है। अभी दोस्तों हम टेस्ट करेंगे HDMI पोर्ट को। HDMI फाइनली यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है हमारा मैकबुक का एक्सटेंडेड मॉनिटर। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।